हमें विक्टर कहते हैं। ये है जुबेदा सुलेमान। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस रात की औकात बनेगी। आपको रानी साहिबा बनना है तो उसके लिए मेहनत दरकार है। राजमहल के अपने कुछ दस्तूर होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं करना, वो नहीं करना, I'm sick and tired of it all. आज से जो मेरी जी में आएगा मैं वही करूँगी। हम सिर्फ मर के ही खुश रह सकते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. मर जाते हैं रिजूक के लोग रोते हैं। कौन आया नानी? था कोई जिसे तेरी नानी बहुत प्यार करती थी। अच्छा चलो, आप भालू के नाम का इतनी वाला। नहीं मुझे नहीं कहना है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक हाथी के नाम करने वाला। नहीं नहीं मुझे नहीं कहना। ले लो बाबा। नहीं रिजू, ज़ैनबी को तंग मत करो, जल्दी जल्दी खाना खा लो वरना बाथरूम में बंद कर दूंगी। पर मुझे नहीं खाना है। क्यों बच्चे के पीछे पड़ी हो? वो नहीं खाना चाहते हो तो रहने दो। ज़ैनबी ले जाओ इसे बाहर। बच्चे की बड़ी फिक्र हो रही है आपको, तभी तो अपनी बेटी की रस्म उस मासूम से करवाई, मिट्टी तक नहीं दी बेचारी को आपने। लाश, कफन, कब्रिस्तान, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं दिल पे पत्थर रखकर गई थी वहां और आप नहीं जा सके? नहीं जा सका।
तुम्हारी इकलौती बच्ची अब नहीं रही, वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। अब तो उसे माफ कर दो, ये उसकी रूह को भी नहीं बख्शोगे। रिजु बेटा, तुमने रोहन को क्यों मारा? अच्छे बच्चे तो ऐसा नहीं करते। मैं रोहन से कभी बात नहीं करूंगा। क्यों बोला मेरी मम्मी मर गई? रिजु बाबा, तुम्हें मालूम है कल तुमने जिसे मिट्टी में डाला वो कौन थी? नहीं। वो रिजु बाबा की दूसरी मम्मी थी, परियों की शहजादी थी वो। उसका नाम था जुबैदा, उसकी मम्मी थी फयाजी बेगम और डैडी थे सुलेमान सेठ। नाना नानी जैसे? बिल्कुल वैसे। समंदर के किनारे पे उनका एक घर था जहाँ वो अपने मम्मी डैडी और अपने रिज्जू बाबा के साथ रहती थी। जैसे हमारा घर है। बिल्कुल वैसा घर था। एक बार पता क्या हुआ, जब रिज्जू बाबा बहुत छोटे थे ना, तो उनकी दूसरी मम्मी लाल परी बनकर फिल्म में नाचने लगी। जब वो हौले हौले नाच रही थी ना, तो एक हसीन जवान राजकुमार ने उन्हें नाचते देखा। उसने कहा, अरे वाह, कितनी खूबसूरत लाल परी है, इसे तो मैं राजकुमारी बनाकर अपने महल में रखूंगा। बस आनन फानन वो अपने जादू के जहाज में जुबेदा को उड़ा के ले गया। मुझे क्यों नहीं ले गई जादू वाले जहाज में? वो क्या है ना रिजु बाबा, वो अपने रिजु बाबा को लेने आ ही रही थी, अचानक उसका जहाज गिर कर टूट गया और तुम्हारी दूसरी मम्मी आसमान में चली गई। अब एक सितारे पे उसका घर है। जब रात को वो नाचने लगती है ना, तो सितारा टिमटिम करता है। मैं भी वहां जाऊंगा मेरा चंदा।
जाने मेरा फसाना क्यों गाए दिल उल्फत का तराना दुनिया क्या जाने। ये वो डांस नहीं है, ये कौन सी रील है? नंबर 4 सर। नहीं, वो जिप्सी डांस रील नंबर 1 में है। बंजारा लड़की की पहली रील मिसिंग है सर, वो शुरू से नहीं मिल रही है। वही तो देखना चाहता हूँ मैं, उसमें मिस जुबेदा का डांस नंबर है। जुबेदा? उस जमाने की एक्ट्रेस थी, बस एक ही फिल्म की थी उन्होंने, ये बंजारन लड़की। आप बम्बई के जुपिटर स्टूडियो में चेक कीजिएगा सर, ये उनका खुद का प्रोडक्शन था, प्रिंट उधर ही से आया था, पूरा लॉट था 7-8 पुरानी फिल्मों का, शायद आपको वहां मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। मूवीटोन का दफ्तर किधर है? जुपिटर मूवीटोन? ये स्टूडियो का ऑफिस। स्टूडियो कब का ठप हो गया? अब बिल्डर का ऑफिस है, हम बिल्डर के वॉचमैन हैं। बिल्डर? हाँ। यहाँ कोई है जो स्टूडियो के बारे में जानता हो? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं साहब। ओ साहब साहब, इकड़े इकड़े। पार्टी खोली मजे है ना, जे एक मानूस है, मातारा मानूस है, डांस मास्टर हीरालाल, त्यालाच जाऊन विचारा। कौन? हीरालाल जी। कौन है? आप हीरालाल जी हैं? हाँ, मैं हीरालाल हूँ। मैं रियाज मसूद हूँ, फिल्म जर्नलिस्ट हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बैठो, बैठो। आप फिल्म एक्ट्रेस मिस सुबेदा को जानते थे? बैठो। कौन? मिस जुबेदा। जुबेदा, जुबेदा बेबी। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? एक जमाने में उसका बाप स्टूडियो का मालिक था, सुलेमान सेठ। बड़ा कड़क था साला। एक बीवी उसके घर में थी और दूसरी जुबेदा बेबी स्कूल के बाद हमेशा मेरे पास यहाँ आती थी और शाम को उसके अब्बा उसको गाड़ी में बिठा कर घर ले जाते थे। क्या गाड़ी थी, लंबी सी काली सी। हाँ, ब्यूक। जुबेदा बेबी को डांस का बहुत शौक था। 3-4 वाह वाह। मजा आ गया, बहुत खूब बहुत खूब। आप हर रोज आइए रिहर्सल पे, एक दिन आप हिंदुस्तान की टॉप की हीरोइन बन सकती हैं। सच्ची बोल रहा जुबेदा। हेलो रोज। हेलो, हाउ इज एवरीथिंग? फाइन। डांस रिहर्सल ठीक ठाक चल रही है ना? एवरीथिंग इज जस्ट टिप टॉप सूली। आदाब। आदाब, ठीक तो हो मास्टर जी? अच्छा हूँ। चलो बेटा घर चले। एक मिनट। चलो, 7:30 याद है ना? ओके ओके। मैडम, डेडिकेशन तो है ही नहीं, 7:30 मिलने जाना है, रिहर्सल नहीं करनी। मैडम अभी आई। बाय। उसके बाद सुलेमान सेठ ने ये स्टूडियो नंदलाल सेठ को बेच दिया।
बड़ा खड़ूस था ये सुलेमान सेठ, वरना जुबेदा बेबी टॉप की हीरोइन बनती। एक फिल्म के अंदर उसने काम भी किया था। उस दिन क्या हंगामा किया सुलेमान सेठ ने, बाप रे बाप, बिल्कुल फिल्मी सीन था। नंदलाल दिया, हाँ जी, आई होप यू नो व्हाट यू आर डूइंग। पिक्चर में काम कराने से पहले एक बार सुलेमान से तो पूछ लेते। रोज डालिंग, अरे वो तुम मेरे पे छोड़ दो ने। जितना पैसा मैंने ये स्टूडियो खरीदने के लिए दिया है ना, उतना कोई नहीं देता। सुलेमान पे बहुत बड़ा एहसान किया मैंने। में आई है कैसी बेदारियां, मेरा दिल घबराता है, मैं चाहे जाऊं जहां। हिस्से में आई है कैसी बेदारियां, मेरा दिल घबराता है, मैं चाहे जाऊं जहां। मेरे बेचैनी ले जाए मुझको जारी कहां, मैं एक पल हूं यहां, मैं एक पल हूं यहां, मैं हूं एक पल वहां। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। अम्बली, इधर आओ। सलाम सुलेमान सेठ। नंदलाल को बाहर बुलाओ। अंदर शॉट चल रहा सेठ। अरे शॉट गया बाहर में, मैं बोल रहा हूँ ना, उसे बाहर बुलाओ। जाओ। वेदन, ये बहुत आगे जाएगी, देख लेना। सुलेमान भी नाच करेगा इसका कामयाबी पे, मैं बोलता हूँ। अच्छा, आई होप सो। सुलेमान सर आए हुए हैं, आपको बाहर बुला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुलेमान भाई, आधा वर्ष है, कैसे आप? आइए आइए, तशरीफ लाइए, सीट। जब से आपने स्टूडियो बेचा है, आपने तो यहाँ आने की एक बार भी जहमत नहीं की। आप आ गए, हमारी तो किस्मत जाग गई है आज। मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी इज्जत, दौलत, शोहरत, इसकी मंजिल तय कर रही है। आज उसके स्टारडम का पहला दिन है ना, आप ही के आशीर्वाद की कमी थी। सेट आओ, सेट अप यू। जुबेदा को वरगराने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। वो लड़की अभी नाबालिग है। मैंने उसे नहीं वरगलाया सेठ। बेबी अपनी इच्छा से मेरी पिक्चर में काम कर रही है, वो खुद आई थी मेरे पास। आप चिंता नहीं करो सेठ, मैं एकदम साफ सुथरी अच्छी फिल्म बना रहा हूँ। जुबेदा मेरी बेटी के जैसे भी। बकवास बंद करो। हाँ जी हाँ जी। सुलेमान भाई, बंद करो ये लचरपन और चलो मेरे साथ घर। छोड़िए, छोड़िए मुझे। चलो। मैं नहीं आऊंगी। चलो। जुबेदा, इस वक्त तुम अपने अब्बा के साथ चली जाओ, ओके? जुबेदा, सीधे जाके गाड़ी में बैठो। मैं नहीं जाऊंगी,
मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं फिल्म पूरी करूंगी। धीरे से काम लीजिए, हम लोग ये बाद में सब तय कर सकते हैं ना। सुलेमान भाई, मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? नंदलाल, इसे कहो कि जाके गाड़ी में बैठे। अगर ये चली गई तो मैं डूब जाऊंगा सेठ। अरे तो डूब जाओ, मेरी बात मानो वरना तुम पछताओगे। सुलेमान भाई, ऐसा मत। नंदलाल, ज़ुबैदा, पिस्तौल लाओ मेरे पास। नहीं देती। लाओ। पहला वादा करिए, मुझे फिल्म में काम करने से नहीं रोकेंगे। तू अपनी मनमानी से बाज नहीं आएगी। अरे सुनी, सुलेमान सर, अरे चल ऐसा, रोज रोज चलो। अरे सेबी, तुम घर जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सेठ जी। हाँ जी। तुम्हारा सत्यानाश हो गया। हाँ जी, हाँ जी। वो भी क्या जमाना था, वाह क्या जमाना था। उस जमाने के फिल्म इंडस्ट्री के लोग बड़े जिंदा दिल थे, आजकल की तरह ना। ये लो। मुझे बंजारन लड़की की वो पहली रील की तलाश है जिसमें वो डांस नंबर था। पर क्यों? फिल्म जर्नलिस्ट हूं ना, आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। सुना है बड़े कमाल का जिप्सी डांस था वो। हाँ, वो गाना मैंने डायरेक्ट किया था। हीरा लाल, लिखो हीरा लाल। लिखा। अरे उस जमाने के अंदर डांस डांस होता था, आजकल की तरह नहीं। डांस के नाम पर छोटे छोटे टाइट कपड़े पहन के 10-20 लॉन्डे पीटी करते हैं, पीटी, और मुंह में बोलते हैं ये डांस है। लेकिन वो रील मुझे कहाँ मिलेगी? अब कहाँ से मिलेगी, सब खत्म हो गया। वो जमाना गया बाबा, वो जमाना गया। अब तो सुना है कि ज़ुबैदा बेबी भी किसी के साथ भाग गई थी और बाद में इश्क विश्क के चक्कर में उसका मर्डर हो गया। अब तो सिर्फ एक ही बची है, रोजी, रोज डार्लिंग। कहां गए थे हैं? दो दिन से घर नहीं आए। पूना गया था। पूना? वहां पे क्या काम था? किसी ने बताया था वहां बंजारन लड़की का प्रिंट फिल्म आर्काइव्स में पड़ा है। बंजारन लड़की? इस बेहुदा फिल्म के पीछे क्यों पड़े हो? मिली? मिली? नहीं। अगर मिल भी जाती तो देखकर क्या फायदा हो जाता? मेरी माँ की एक झलक तो मिल पाती। नानी, तुम किसी रोज फिल्म एक्ट्रेस को जानती हो? रोज? उस चुड़ैल के बारे में तुझे किसने बताया? नानी, तुम तो नाम सुनते ही बिगड़ गई। कन्मुही थी ही ऐसी, जिधर हाथ लगाए सूखा पड़ जाए। तेरे नाना, तेरी माँ दोनों पे जादू कर रखा था उसने। सूली। वेलकम माय डियर रोज। वाह, हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो। थैंक यू सूली, बड़ी शानदार पार्टी है। लुक एट ज़ुबैदा, शी लुक्स ब्यूटिफुल। खूबसूरत तो होगी ही, आखिर बेटी किस बाप की है। मैं नंदलाल सेठ को भी साथ लाई हूँ। आपने इसे माफ कर दिया है ना? सोचेंगे, अगर ये शराब पीकर बच्चियों को बरगलाना छोड़ दे तो। अरे कैसी बात करते हो से, एक बार गलती हो गई कान पकड़ता हूँ। Let's forget it now. वैसे पार्टी है किस खुशी में भाई? मेरे बचपन के दोस्त साजिद मसूद के वापस लौटने की खुशी में। वाह, आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। साजिद भाई, ये हैं साजिद भाई, साजिद मसूद, मेरे बचपन के दोस्त, और ये हैं उनके साहबजादे महबूब आलम, एडिनबरा से MRCP करके आए हैं, और इनसे मिलिए, ये हैं हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ सिने डांसर मिस रोज डेवनपोर्ट। अरे भाई, आपको तो हम जानते हैं। जी हाँ, अक्सर जिक्र किया है इन्होंने आपका, कभी अपनी बातों में, कभी खतों में। और इनसे भी मिलिए, ये हैं नंदलाल जी, फिल्में बनाते हैं और बच्चियों को बरगलाते हैं। अरे क्या सही आप अभी तक दे। मैम, आपका नाम किसे नहीं पता, हम सब तो फैन हैं आपके। ओह रियली, थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक टू दैट। ये नहीं पीते,
हमारे यहाँ ये आज भी हराम है। अच्छा, व्हाट अ पिटी। प्लीज एक्सक्यूज मी सुली। यस ऑफ कोर्स। तुम नहीं सुधरोगे सुलेमान, कभी नहीं। आज तक इसको अपने गले से लगाए हो, देखना एक दिन बर्बाद करेगी तुम्हें। अरे बर्बाद तो हम पहले ही हो चुके हैं यार। हेलो फयाजी। Zubeda, my dear, you're looking absolutely gorgeous. Thank you. Hello, Firoza. मैंने सुना तुम दोनों स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रहे हो? हाँ? Lucky girls. Attention, please. Ladies and gentlemen, मेरे अजीज दोस्त साजिद मसूद, जो हमें छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, अब वापस हिंदुस्तान लौट आए हैं ताकि मुझ जैसे गुनहगारों को नेकी का रास्ता दिखा सकें। Hey. ये पार्टी उनके लौटने की खुशी का जश्न है। Cheers to साजिद भाई। ये जाम साजिद भाई के नाम। अब्बा, आई एम सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी अब्बा। तुमने कल मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, अब मैं दोस्तों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मगर मुझे नहीं करनी शादी। साजिद भाई के साथ शादी की बात पक्की हो चुकी है, महीने के आखिर में तुम्हारा निकाह तय किया है। पर आपने वादा किया था कि इस साल आप मुझे फिरोजा के साथ स्विट्जरलैंड भेजेंगे फिनिशिंग स्कूल। फिरोजा के बाप को फिरोजा के लिए अच्छा रिश्ता मिलने वाला नहीं है। उसकी ना शक्ल है ना अकल है, और मेरी बेटी को तो खुदा ने सब कुछ दिया है, फिर तुम्हें फिनिशिंग स्कूल की क्या जरूरत है? घर का कामकाज तुम्हें तुम्हारी अम्मी सिखा देगी। मुझे नहीं करना घर का काम। जैनबी, मैं ऑफिस से 30,000 रुपए भेज रहा हूं, इसके जहेज की चीजें खरीद लेना। अब्बू प्लीज, अब्बू मेरी शादी अभी मत कराओ। उस आदमी से मैं कैसे शादी करूंगी जिसे मुझे प्यार नहीं है? गधी, प्यार मोहब्बत ये सब शायरी और फिल्मों की बातें हैं, शादी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? बेवकूफ कहीं की। अम्मी, इस जालिम से कह दो मैं महबूब से शादी नहीं करूंगी। तौबा तौबा, अपने अब्बा को कोस रही है? साहब, एक बार कोई फैसला कर लेते हैं ना तो दुनिया इधर की उधर हो जाए वो नहीं बदलेंगे। ज़ूबी, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सकिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। बनी ये कोई बात हुई? मेहंदी तो शगुन का निशान होता है बेटी, मेहंदी बिना दुल्हन कैसे बनूंगी? मैं दुल्हन नहीं, कुर्बानी की बकरी हूँ जिसे अब्बा अपने दोस्त को खुश करने के लिए जिबा कर रहे हैं। हाय तौबा तौबा, ये कौन सा तरीका हुआ बोलने का? हाँ, अब्बा के लिए बोझ बन गई हूँ तो मुझे बाजार में ले जाकर बेच क्यों नहीं डालते? चुप रहो, मुझे ये बेहुदा बातें बिल्कुल नहीं सुननी। मम्मो मदद कराओ मेरी, चलो मेहंदी लगवाओ। मुट्ठी खोलो, ज़ूबी चलो। जा रहे हो? नहीं, 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 न
सुबेदार खातून बिनते सुलेमान हैदर साहब, क्या आप मुझे इजाज़त देती है कि आपका निकाह महबूब आलम इब्ने साजिद मसूद से 1,00,000 ज़र्रे महर एवज कर दूँ? बेटी जुबेदा खातून, क्या आप मुझे इजाज़त देती है कि मैं आपका निकाह महबूब आलम इब्ने साजिद मसूद से 1,00,000 ज़र्रे महर एवज कर दूँ? अगर बोलते हुए शर्म आ रही है तो हाँ मैं सर हिला दूँ। आपने देखा नहीं, इन्होंने हाँ में सर हिला दिया है। अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे। चांद सूरज की जोड़ी है, अल्लाह तुम दोनों को अपने रहमत करम से नवाजे। डालने के लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी है। पिछले 10 महीनों से चक्कर काट रहा हूँ, परमिट ही नहीं मिलता। अजीब चक्कर है यार। मिल जाएगा, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। असल में बात क्या है जानते हो सुलेमान, यहाँ पर लोग एक मुसलमान को फेवर ही नहीं करना चाहते। मुसलमान तो हम भी हैं यार, हमारी तरक्की में तो आज तक किसी ने रुकावट नहीं डाली। मुझे तो लगता है यहाँ वापस आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कैसी बातें कर रहे हो साजिद, ये तुम्हारा अपना शहर है, ये घर भी तुम्हारा अपना है। मगर यार आखिर कब तक तुम पर बोझ बने रहेंगे हम? What nonsense यार। आदाब चचा जान। आदाब। नायर हॉस्पिटल से मेरा कंफर्मेशन का लेटर आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो लोग क्वार्टर भी दे रहे हैं क्या? तुम बच्चों को घर से निकालना चाहती हो? मैंने तो एक बात कही थी बस, वैसे भी बच्चे अगर अलग रहे तो क्या हर्ज है, कौन सा परदेश जा रहे हैं। अरे पर यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत भी क्या है, खास तौर पर जबकि जुबैदा उम्मीद से है। क्या? अरे कमाल करते हो यार, मैं दादा बनने वाला हूँ और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मुझे भी अभी अभी पता चला। तब तो मुझे कराची जाने की तैयारी फौरन शुरू कर देनी चाहिए। देखो अब मैं तुम्हें मारूंगा, फिर से वही कराची की रट। अगर मेरे अब्बा को पता होता कि कराची जाने का प्लान है तो हमारी शादी कभी नहीं करते। मेरे अब्बा अगर जाना चाहते हैं तो हमें भी उनके साथ ही जाना होगा। तुम अपने अब्बा के साथ जाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं अपनी अम्मी और अब्बा को अकेले छोड़कर चली जाऊं? सुबेदा, देखो अब्बा नहीं चाहते कि मैं यहाँ घर दामाद बनकर रहूं। इतनी अच्छी नौकरी है, हम बम्बई में आराम से अलग घर लेकर रह सकते हैं। हाँ मगर अब्बा जाने की जिद जो कर रहे हैं वो तो कराची जाने पर तुले हैं। अगर तुम उनसे कहोगे कि हमें आपके साथ नहीं जाना तो वो जरूर मान जाएंगे। ठीक है, पहले बच्चे को तो पैदा होने दो, फिर बात करता हूं। अभी कहने में क्या हर्ज है, तुम उनसे इतने डरते क्यों? मेरी बच्ची, बस थोड़ा हिम्मत से काम, बस मेरी बच्ची, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले। अल्लाह तो रहीम है, करीम है, जुबैदा की जचगी आसान कर अल्लाह, उसे इस दर्द से जल्दी फरागत दिला। शुक्र है परवरदिगार का, साहबजादे बिल्कुल सही वक्त पर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, वरना हमें स्टीमर की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती। स्टीमर की बुकिंग? तुम लोगों ने टिकटें भी करवा ली और हमें बताया तक नहीं? अरे बताता तो तुम खामखा आफत खड़ी कर देते, क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाऊं मैं? तुम निहायत खुदगर्ज हो साजिद, एहसान फरामोशी की भी हद होती है। मैं तुम दोनों की मदद में दिन रात एक कर रहा हूं और तुम बिना बताए हुए मुझे यहां से सरकना चाहते हो? अरे कितनी कोशिशों के बाद महबूब आलम को परमानेंट करवाया है, तुम जानते हो यहां लोग मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ वही तो, बहुत बड़ी गलती की है मैंने तुम्हारी बात मानकर, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग चुप हो जाइए, ये भी कोई लड़ने का वक्त है? अरे भाभी अभी समझाइए ना इसको,
आप ही समझाइए कि पाकिस्तान चले जाने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। यहाँ पर हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं। वहां भी कौन सा बनेगा? पाकिस्तान में तो आप लोगों की बड़ी आवभगत की जा रही है ना, मुहाजिर कहे जाते हैं आप लोग, मुहाजिर। बको मत, तुम क्या जानो इन सब बातों के बारे में? तुम तो बस यही चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारा घर दामाद बना रहे और मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं बस। सच तो यह है साजिद कि जिंदगी में ना तुमने कभी कुछ किया है ना ही कर पाओगे। इधर हो या उधर, नालायक तो नालायक ही होता है। तो तुमने कौन से बड़े तीर मार लिए हैं यहां पर रहकर? दो चार जलील किस्म की स्टंट पिक्चरें बनाकर चार पैसे कमा लिए हैं तो समझते हो बहुत बड़ा मकाम मिल गया है तुम्हें, बड़ी इज्जत हो गई है तुम्हारी। साले नाशुक्रे, क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, अपना समझ के घर दिया, बेटी दी, तुम्हारे काम के लिए भागा भागा फिरता रहा और बदले में क्या मिला, जिल्लत और गालियां। तो तुम क्या समझते हो मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं यहां से जा रहा हूं और जहां भी जाऊंगा मेरी बहू और उसका बच्चा मेरे साथ जाएंगे। मैं तुम्हें कभी बख्शने वाला नहीं हूं साजिद, तुम जहां जी चाहे जाओ लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और ना ही उसका बच्चा जाएगा। मगर चाचा मेरी बीवी और मेरे बच्चे को तो। चलो बेटे, अब इन लोगों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखिया अब कलिया, की रकम 1,00,000 रुपए तय हुई थी, वो तलाक से पहले आधा होनी चाहिए। लड़की अपनी मेहर की रकम माफ करती है फिर तो तलाक फौरन दिया जा सकता है। बोलिए। मैं महबूब आलम अपने पूरे होशो हवास में अपनी बीवी जुबैदा खानम को आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फोटो है, ये
क्या हुआ? ये कौन जला रहा है? सूफी, सूफी क्या कर रहे हो? अरे तलाक हो गया, हो गया शादी का जोड़ा मत जलाओ सूफी। क्या तलाक हो गया? गॉड, ये तो होना ही था। डोंट वरी माय डियर, दैट महबूब आलम जस्ट डिडंट मेजर अप टू यू। वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। शौहर तो शौहर ही होता है, आप चाहे कुछ भी समझें। डोंट मो, स्पाइनलेस मैन लाइक दैट जस्ट आंट वर्थ इट। तुम्हें एक असली मर्द चाहिए, तुम्हारे अब्बा जैसे। चलो जूबी, चलो बेटा। अब्बा ऐसे कैसे हमें छोड़ के चले गए? क्या उन्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? अपने अब्बा की तो बात ही मत करो। अगर उन्हें तुम्हारा जरा भी ख्याल होता तो मिलने नहीं आते। 30 साल हो गए, एक भी खत नहीं लिखा उन्होंने। नानी, अम्मी और रोज का क्या रिश्ता था? रोज अगर ना होती तो तुम्हारी माँ आज भी जिंदा होती और हमारे बीच में होती। क्यों, क्या किया उसने? बताओगी नहीं? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही जाके पूछ लूंगा। किटी 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 किटी, कम ऑन किटी, कम एंड हैव योर मिल्क, दैट्स अ गुड गर्ल। कम ऑन किटी, कम, कम टू मदर, कम। ओह माय बेबी, दिस रोज डैवेंपो। यस, कम ऑन किटी। एक्सक्यूज मी, मिस रोज डेवनपोर्ट, तुम जो कुछ भी बेच रहे हो हमको नहीं चाहिए, अब तुम जाओ जाओ। मैं कुछ बेचने नहीं आया, मैं रियाज मसूद हूं, जुबेदा का बेटा। जुबेदा? कौन जुबेदा? मेरे नाना थे सुलेमान सेठ। ओह दैट पॉम्पस एस। ये आपके लिए। ओह थैंक यू। रोजेस फॉर आंटी रोज। आंटी रोज, तो तुम हो जुबेदा के बेटे। दैट सेम स्माइल, यू पुअर मदरलेस बॉय। आओ बैठो, तुम्हें आंटी रोज से क्या चाहिए? क्या आप मुझे मेरी अम्मी के बारे में कुछ बता सकती हैं? तुम्हारी अम्मी बेचारी जुबेदा, वो मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। नानी तो कहती है कि आपने अम्मी को राजा साहब से मिलवाया था। हाँ, मैंने मिलवाया था। ओह इट वाज सो रोमांटिक, एक राजकुमार एक राजकुमारी घोड़े पर सवार, जैसे परियों की कहानियों में होता है। Aren't you thirsty? ठीक है, I'll have a cold drink. Oh, you silly boy. मैं तो असली चीज की बात कर रही थी। नहीं नहीं थैंक यू, मैं दिन में नहीं पीता। अच्छा, तो आज अपने आंटी रोज की खातिर पी लो। चलो, कबर्ड में रम है, ले आओ। माँ। Cheers. Cheers. Here's to Zubeda. उस लड़की में बड़ा दम था। तुम्हारी वो गिलगिली डरपोक फयाजी बेगम की तरह नहीं थी। क्या कह रही हैं आप? वो मेरी नानी है, प्लीज। Well, I'm sorry, my dear, but it's the truth. अगर फयाजी में थोड़ा सा भी दम होता तो वो सुलेमान को संभाल लेती और तुम्हारी अम्मी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लेकिन नानी का तो ये कहना है कि सारी बर्बादी की जड़ आप है। वो तो ऐसा ही बोलेगी, आखिर सच किसको पसंद है? तुम्हारी अम्मी जुबेदा और उसका बाप दोनों एक ही मिट्टी के बने थे, बेहद हसीन और साथ में ढीठ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। जुबेदा वाज सो अनहैप्पी। मैंने तो सिर्फ उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी लाने की कोशिश की। यूहू। हेलो आंटी रोज। हेलो। देखो
इस भूत बंगले में रहकर ना तुम भी भूत बन जाओगी। जिंदगी भर ऐसे बैठे बैठे दीवारें ताकती रहोगी क्या? हाँ, रिजू की देखभाल जो करनी है। अरे रिजू को 2-3 घंटों के लिए अपने नानी के पास छोड़ दो। कम ऑन, यू नीड टू गेट आउट एंड हैव सम फन। और अब्बा? अरे अब्बा को मैं देख लूंगी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके, कम ऑन, कम कम। ज़ैनबी, मैं अभी आती हूँ। क्यों भाई, कहाँ की तैयारी है? सूली डियर, मैं तुम्हारे डॉटर को किडनैप कर रही हूँ। रियली? हाँ, हम लोग राजभवन फ्लैश शो देखने जा रहे हैं। वहाँ खुली हवा और फूलों के बीच इसके गालों में भी रंग आ जाएगा। बहुत बढ़िया साड़ी है, कब ली थी? आप ही ने तो दी थी। ओ अच्छा, देखो रात को अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना, बच्चा तुम्हारे बगैर सोएगा नहीं। ओके, सी यू, बाय। बाय बाय। बाय अब्बू। आंटी रोज, ये तो गलत रास्ता है, राजभवन तो उस तरफ है। तो क्या मैं तुम्हें गोभी, बैंगन और गेंदे के फूल दिखाने ले जाऊंगी? हाँ, वो सब तो तुम्हारे अब्बा के लिए कहा था। मेन एंड हॉर्सेस आर मोर माय स्टाइल। आज तो आपने सबको डरा दिया। Of course you were magnificent as usual. लेकिन आप तो इतने बड़े घुड़सवार, आज अचानक गिर कैसे गए? रोज एक पल को दो चमकती आंखों ने हमारा ध्यान भंग कर दिया। You flatter. कहीं फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं हुआ? No, fit, not to worry. Okay. रोज, ये मृगनयनी कौन है? इनसे आप हमारा तारुफ कराएंगी या हमें खुद ही करना होगा? हेलो,
हमें विक्टर कहते हैं, और आप? जुबेदा, दिस इज हिज हाइनेस विजेंद्र सिंह, ये है जुबेदा सुलेमान। हेलो योर हाइनेस। हसीनाओं के लिए हम हिज हाइनेस नहीं, विक्टर हैं। आप हमें विक्टर कह सकती हैं? जुबेदा, बहुत ही खूबसूरत नाम है, इसका मतलब है जरूर इतना ही हसीन होगा। मेरी फूफी का नाम था और वो बिल्कुल हसीन नहीं थी। अच्छा अच्छा, इस हसीन वाली जुबेदा को हमारा पोलो मैच कैसा लगा? घोड़े बहुत अच्छे थे। सिर्फ घोड़े? आपकी नजर घोड़ों से ऊपर गई नहीं, घुड़सवारों पर। अच्छा रोज, हम शाम को ताज में डिनर दे रहे हैं दोनों टीमों के लिए, आप भी जरूर आइएगा, इन्हें भी साथ लाइए, इनके आने से महफिल बेचारागा हो जाएगी। Let me see, Zubeda dear, are we free this evening? नहीं, मुमकिन नहीं लगता विक्टर, जुबेदा आज फ्री नहीं है, उसे बहुत जरूरी काम है आज। नहीं, ये सब हम नहीं जानते, हम जुबेदा के यहाँ जा रहे हैं इनको लेने के लिए 8 बजे, आप तैयार रहिएगा जुबेदा। खबरदार विक्टर, जुबेदा के माँ बाप ने इन्हें बहुत संभाल कर रखा है, इन्हें अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो ठीक है, हम आपके यहाँ आप दोनों को लेने आ जाएंगे, ठीक 8 बजे। टिल वी मीट अगेन देन, लवली लेडीज, बाय बाय। मैं ठीक लग रही हूँ ना आंटी रोज? यू लुक स्मैशिंग। पता है साड़ी ब्लाउज मेरी पहली फिल्म के लिए बने थे। To be young again. सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस रात की औकात बनेगी। विक्टर, तुम तो बेचारी बच्ची को डरा रहे हो, जरा अपने दिल को संभालो। पूरी की पूरी गजल सामने हो तो शेर के अलावा और क्या सोचेगा। Roses for Rose. Oh, how romantic! I just adore yellow roses. विक्टर, तुम्हें तो हर मौके की पहचान है। थैंक यू। एंड दिस इज फॉर यू। नो आई कांट, ये तुम्हें नहीं ले सकती। डोंट बी सिली माय डियर, नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन थोड़ी देर पहनने में क्या हर्ज है? कम ऑन। Shall we go now? Come on. तुम विक्टर के साथ जाओ, मैं उस गाड़ी में आती मंगवाया है। आंटी रोज, कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं? अरे तुम फिल्म क्या देखोगी, तुम्हें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। इस तरह मैंने उन दोनों की कई बार मेल मुलाकातें कराई, और फिर एक हफ्ते के बाद विक्टर जुबेदा को अपने रॉयल हवाई जहाज में बिठाकर फतेहपुर ले गया और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। अरे अकेला क्यों? तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ा था। डोंट ब्लेम हर माय डियर, उसे ऐसा मौका फिर कब मिलता। एंड शी वाज सो हैप्पी। इन्हें कहाँ रखूं बेगम साहिबा?
ये क्या है? ये इतने सारे गुलदस्ते किसने भेजे हैं? ये जुबेदा बेगम के लिए एक छोटी सी निशानी फतेहपुर नरेश हिज हाइनेस राजा विजेंद्र सिंह जी ने भिजवाया। क्या ये सारे के सारे मेरे लिए है गिरिवर सिंह जी? जी हुकुम। कितने खूबसूरत है, आपने पसंद किए थे? जी नहीं, महाराज ने खुद अपने हाथों से एक एक फूल चुना है खास आपके लिए, और इसमें एक खत भी है। मुझे इजाजत दीजिए। जी हुकुम। मेरी जान, ये 8 गुलदस्ते हमारे पहले 8 दिनों की यादगार हैं। इसके साथ मेरा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा गुलाम विक्टर। ये विक्टर कौन है? फतेहपुर के राजा विक्टर उनका घर का नाम है। तुम उनसे मिली कैसे? आंटी रोज ने मिलवाया था। देखो जूबी, अगर साहब को पता चल गया तो आफत खड़ी कर देंगे। वो मुझसे शादी करके फतेहपुर की रानी बनाना चाहते हैं। बेटा, ये राजे महाराजे बड़े अय्याश होते हैं, भोली भाली लड़कियों को फांसने के सब गुर जानते हैं ये। वो कहते हैं कि उन्हें इस तरह कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। प्यार? वैसे भी वो तुमसे कैसे शादी कर सकते हैं, वो तो हिंदू हैं। न जाने कम वक्त के हरम में कितनी रानियां पहले से ही भरी पड़ी होंगी, मुंह का मजा बदलने के लिए एक और सही। तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं फिर से शादी करूं? बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छा रिश्ता तय कर रहे हैं, लड़का अमरीका में पढ़ता है, आला खानदान है। जिससे मुझे मोहब्बत है मैं उसी से शादी करूंगी। ये जो प्यार मोहब्बत के राग तुम अलाप रही हो, शायद भूल गई कि तुम एक बच्चे की माँ हो। अम्मी, वो मुझे रिजू से थोड़ी अलग करेंगे, वो बहुत ही प्यारे इंसान है, एक बार मिलकर तो देख लो। मुझे नहीं मिलना। प्लीज अम्मी, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर लो। प्लीज मान जाओ अम्मी। नमस्ते बेगम सर। वाह, क्या कहने हैं, आप तो अपनी बेटी से भी ज्यादा हसीन निकले। आप बेजा तारीफ कर रहे हैं राजा साहब, शायद इन्हीं अदाओं की वजह से आपने मेरी बेटी का दिल जीत लिया होगा। देखिए, मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती, जुबैदा के वालिद ने जुबैदा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, और ये रिश्ता हमारी हैसियत और मजहब के मद्देनजर ज्यादा मुनासिब है। आपको नहीं लगता कि दिल के रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं? क्या आप एक बार फिर अपनी बेटी की खुशी अपने अहम के खातिर कुर्बान करना चाहते हैं? मेरी बेटी क्या आपकी वाहिद बीवी होंगी? जी नहीं, जब हम 12 साल के थे तब हमारी शादी चंद्रपुर के राजकुमारी से कराई गई, उनका नाम मंदिरा देवी। बच्चे? जी दो, एक लड़का और एक लड़की। यानी कि हमारी बेटी के बच्चों के कोई हक नहीं होंगे? छोटी रानी की संतान होने के नाते उनके जो भी हक हैं वे उन्हें अवश्य मिलेंगे बेगम साहिबा। और रियाज का क्या होगा? जी, हम उन्हें गोद लेने के लिए तैयार हैं। खुदा ना करे, मैं अपने नवासे को हिंदू तरबियत से क्यों पलने दूं? बेगम साहिबा, अगर उनकी परवरिश एक मुसलमान की तरह से भी हो तो हमें कोई एतराज नहीं। बोली, हमें आपका आशीर्वाद है। अब मान भी जाओ अम्मी, मेरी ये एक तमन्ना तो पूरी होने दो। एक शर्त पर, तुम्हें रिजू को हमारे पास छोड़ना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं रिजू के बिना कैसे रहूंगी? मैं उसकी माँ हूं। माँ तो मैं भी हूं बेटी, एक वही तो हमारा नाम लेवा रह जाएगा इस दुनिया में,
हम रिजू को नहीं छोड़ सकते। जुबी बेटा, तुम चंद दिनों की खुशी के लिए इस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये तो उस राजा का वक्त ही जुनून है, दो चार दिन रहेगा फिर ऊब जाएंगे वो। नहीं अम्मी, वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, पर रिजू को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा बच्चा, मेरी अपनी जान से प्यारा बच्चा रिजू, सब कुछ इतना दुश्वार क्यों है? अम्मी मुझे रिजू को साथ ले जाने दो, आप कुछ भी कहिए, मैं इसे ले जा रही हूं। का कोई कसूर नहीं था, तुम्ही ने मुझे ले जाने से रोका था। पर खुदा का शुक्र है कि मैंने तुझे अपने साथ ही रखा, वरना वहां पता नहीं तेरा क्या हशर होता। अच्छा नानी, फतेहपुर में अम्मी के साथ क्या हुआ था? पता नहीं। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मुझे लगता है अम्मी ने वहां भी डायरी लिखी होगी। वो डायरियां कहां है? अरे मैंने डायरी जला दी, सारी की सारी डायरियां जला डाली। सब झूठ, तुमने अम्मी की हर एक चीज संभाल के रखी है। वो डायरियां भी जरूर तुम्हारे पास होंगी, दो मुझे। अरे क्यों अम्मी दो मुझे, क्यों सता रहा हूं मुझे बेघर में, जिसको देखो हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। पहले तुम्हारे नाना थे, फिर तुम्हारी अम्मी, और अब तुम। ढूंढ रहा था कुछ, मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं ये लड़का मुझे चैन से नहीं जीने देगा। तू ले ले चाट लेने ले, बहुत। आज जो कुछ हुआ कहीं ख्वाब तो नहीं था? क्या ये सब इस दुनिया में मुमकिन भी है? चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी। मेरे चेहरे पे गजल लिखती गई, शेर कहती हुई आंखें उसकी। Thank you.
तब से दोहराऊं पिया 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 गुलशन महके महके ये मन बहके बहके और तन बहके बहके सुन, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जादुई कालीन पर बिठाकर नई दुनिया में ले आया है। क्या ये फतेहपुर का राजमहल है या मेरा ख्वाब? मुझे फतेहपुर जाना है। विक्टर कहते हैं कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? क्या मोहब्बत में घुटन होने लगती है? क्या इंसान प्रेम बंधन में जकड़ के कैद हो जाता है? मुझे तो इससे पहले कभी अपने आजाद होने का एहसास इस तरह नहीं हुआ जैसे मेरे पर निकल आए हो। अगर वो कहते कि अभी अभी कूद पड़ो तो बिना झिझक कूद पड़ती।
क्या देख रही? आपकी आंखें, चीते जैसी तेज आंखें। तुम्हें डर लगता है कि कहीं हम इस मृगनयनी को खा ना जाए? हाँ, सुना है जिनकी आंखें करीब करीब होती है वो बड़े ही जल्लाद होते हैं। अच्छा? हाँ। नहीं, नहीं, मत करो, मत करो, ये मत करो। अगर तुमने ये करना बंद नहीं किया तो हमारी इस हिरनी जैसी आंखों वाली दुल्हन को फौरन सुहागरात के बाद काल कोठरी बंद कर दिया जाएगा मकड़ियों, चूहों और छछुंदरों के साथ। अरे उससे पहले तो सौतन मुझे जहर देकर खत्म कर देगी। कौन? मंदिरा देवी? अरे वो एक शरीफ राजपूत बहू है, वो जानती है कि अच्छी फसल के खातिर हर साल हम राजपूतों को एक नई रानी लेके आनी पड़ती है। वैसे ही फतेहपुर में कई सालों से अकाल पड़ा है। होने दो अकाल, ये राजपूत अब आगे कोई शादी नहीं करेगा। वरना 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 क्या वरना? मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करेंगे। इधर उधर की ताक झांक पर ही पाबंदी है। बिल्कुल, मैं तो तुम्हें किसी दूसरे की तरफ देखने भी नहीं दूंगी। ये तो जाती है भाई, कनखियों से नजर चुरा तो जाते तो हम महंगे हो जाएंगे। अरे ऐसा मत करो। अरे चलो चलो, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, ठीक है? गुड गर्ल, गुड गर्ल। आपकी अंगूठी की तरह शानदार तो नहीं है लेकिन बनवाई गई है उतने ही प्यार से। तो आप भी उन ढाई अक्षर का मतलब जानती हैं? अब आप मेरे हो गए, सिर्फ मेरे। कितना हसीन है ये फतेहपुर का राजमहल है या मेरा ख्वाब? सुस्वागतम रानी मीनाक्षी देवी, आपको अपना नया घर मुबारक हो। लगता है कोई जुबी को भूल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। गिरवर सिंह जी, आपने याद फरमाया हुकुम? क्या महारानी साहब ने छोटी रानी से मिलने का समय दिया है? आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते? एक कुर्सी उनके लिए भी लगवा देंगे। गिरवर सिंह जी, जी छोटी रानी खुद मंदिरा देवी के महल में जाकर उनसे मिलेंगी ठीक 11 बजे। हुकुम। आप जाकर उन्हें इत्तला कर दीजिए। जो हुकुम। ये कैसा आवभाव है, वो भी तो घर की ही है, कोई क्वीन ऑफ इंग्लैंड तो नहीं? राजमहल के अपने कुछ दस्तूर होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत जल्द तुम्हें भी इन सब बातों की आदत हो जाएगी। वो कैसी औरत है आपकी पटरानी मंदिरा देवी? तुम तो देख चुकी हो ना उन्हें। हाँ, मतलब वो तबीयत की कैसी है, कहीं मुझे नर्वस तो नहीं कर देंगी?
वो, अरे वो बड़ी जल्लाद औरत हैं, तुम जैसी को तो निगल जाए और डकार तक नहीं ले। पहले तो सर से पांव तक देखेंगी कहीं गलत रंग की साड़ी तो नहीं पहनी। माल कैसे बने हैं, मेकअप ढंग का है? अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है। ओह माय गॉड, वो तो हिंदी फिल्मों की सास लगती है। अर्शु जीती रहो। क्या नाम है बेटे का? दिग्विजय। और उम्र? 4 साल 3.5। बच्ची नहीं दिखी? वो अभी सो रही है। आपको अपना महल तो पसंद आया, कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, शुक्रिया योर हाइनेस। आप हमें मंदिरा कहकर पुकारें या फिर मैंडी, जैसे एचएच कहते हैं? आपको मैंडी दीदी कहना ठीक रहेगा? आप लोग आपस में जनानी बातें कीजिए, हमें ज्यादा अच्छा है। और हम आपको क्या कहें, मीनाक्षी, मीना, मीनू या कुछ और? जैसी आपकी मर्जी। एम कैसे रहेगा? हम अपनी चारों बहनों को ऐसे ही बुलाते हैं, एन, एस, टी और आर। आप तो वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। कैसी नहीं? कुछ नहीं मंदिरा देवी, मैंडी। मैंडी दीदी। एम, एक बात याद रखिए, वरना लोग कहेंगे कि आपको तमीज नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को कोई भी नाम दें, लेकिन औरों के सामने आप हमेशा हर हाइनेस या रानी साहिबा ही रहेंगी। किसी को ज्यादा करीब नहीं आने देना चाहिए, समझी? ओहो, ये सब याद रखना आपको बोर नहीं करता? और एम, ये स्लीवलेस ब्लाउज आपको नहीं पहनना चाहिए, और पल्ला हमेशा सर पर रखना चाहिए। एंड योर मेकअप माय डियर, इसका भी कुछ करना होगा। ओह माय गॉड, मैं अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती, जिससे जी चाहे खुलकर बात नहीं कर सकती, मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। माय डियर एम, आपको रानी साहिबा बनना है तो उसके लिए मेहनत दरकार है। लगता है हमें आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। आपको इन सब बातों का अनुभव कहाँ? तो फिर नए ब्लाउज के नाप के लिए हम दर्जी को आपके पास भेजते हैं। पर विक्टर को यही पसंद है। और उनका नाम हरगिज मत लीजिएगा औरों के सामने। महकी महकी है राही, बहकी बहकी है निगाहें, है ना हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, घेरे हैं जो ये बाहें, पाई है मैंने पनाहें, है ना हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। गा तू दिल के तारों पे गा, गीत ऐसा कोई नया जिंदगी में कभी हो न पहले सुना। पलकों पे सपने सजा, सपनों में जादू जगा, तू मेरी राहों में चाहत की शमी जला। महकी महकी है राहें, बहकी बहकी है निगाहें, है ना विक्टर दादा। गुड आफ्टरनून तो हमारा है, आपका तो गुड मॉर्निंग है। अभी सोकर उठे होंगे आप? जल्दी उठकर भी हमें कौन से लड्डू मिलने वाले हैं महाराज।
उदय, क्या आप अपनी भाभी को विश नहीं करेंगे? ओहो, क्षमा करें छोटे रानी सा हुकुम। दरअसल हुआ ये कि आपके तेज और जलाल के सामने मेरे होश और हवास उड़ गए। ये समझने में जरा देर लग गई कि सामने किसी परी का चेहरा है या खुद सूरज जमीन पर उतर आया है। आपके चरणों में शत शत प्रणाम। अच्छा, अब आप अपनी भाभी की खिदमत में हाजिर होने के लिए गाहे गाहे वक्त निकाल सकेंगे? अजी, हम तो इन शराबी आंखों के शिकार हैं। आपकी इजाजत हो तो बंदा सवेरे दोपहर शाम इन्हीं के चरणों का दास बना रहे। तो आज से ही शुरू करते हैं फिर? बस बस, बहुत हो गया, अब जाइए यहाँ से उदय से। अच्छा, इजाजत दें। हुक्म के बादशाह और दिलों की मलिका को अलविदा कहता है ये चिड़ी का गुलाम। क्या वो हमेशा ऐसे ही बहकी बहकी बातें करते हैं? मस्खरा है, बचपन से बिगड़ा हुआ है। हाइनेस का चेहरा इतना मलिन क्यों है? बंबई की याद आ रही है? यहां अच्छा नहीं लगता? एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट विक्टर, बस रिजू को देखने को बहुत दिल चाहता है। भगवान ने चाहा तो एक दिन ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? तुम्हें कुछ दिखाना है। बहुत ही प्यारा है, आपको कैसे पता चला मुझे ऐसा ही चाहिए था? आ, 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 ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंडी का प्रेजेंट है हम दोनों की तरफ से। हम मैंडी को प्रेजेंट क्यों दे रहे हैं? अरे, शुक्रवार को मैंडी का जन्मदिन है, कैसा है? मेरे लिए इतनी हसीन चीज कभी नहीं लाए। तुमको अपने दिल में जो बसा दिया है, कहो तो छाती चीर के दिखा दे। दिल अपने पास संभालिए, मुझे कुंदन का हार चाहिए, बिल्कुल ऐसा। आप पे ये बहुत जच रहा है ना मीनाक्षी? हाँ, बहुत सुंदर है, आप तो बिल्कुल शहजादी लग रही हैं। माय डियर, जो है वही तो लगेंगी। हाँ, सो तो है। क्या शहजादियों को केक काटने की इजाजत है, या इसके लिए भी केक कटिंग इंचार्ज किसी एडीसी को बुलाया जाए? मालूम है आज क्या दिन है? शुक्रवार। भूल गए, आज हमें मिले पूरे 6 महीने हो गए। अरे, पहले क्यों नहीं बताया? अब प्रेजेंट कहां से लेके आए? अच्छा बोलो, क्या चाहिए? कुंदन का हार, मैंडी दीदी जैसा। उससे भी ज्यादा एक नायाब चीज दें तो? क्या? चलो ना हमारे साथ। जब तुम चली गई तो कई दिनों तक रोता रहा, मगर अब ये समझता है कि इसकी नानी इसकी माँ है। बच्चे कोख से ज्यादा गोद पहचानते हैं।
ये कैसी सजा है जो आप और अब्बा मुझे दे रहे हैं? वो कैसे मुझे याद करते हैं? नहीं, उनके लिए तो तुम खुदा ना करे मर चुकी हो। उन्हें बगैर बताए यहां आना पड़ा, दिल्ली में अनवरी की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा। मेरी खातिर अब पापा से झूठ बोली? तुम्हारी खातिर जब ये रिश्ता मंजूर कर लिया तो फिर झूठ क्या चीज है? मेरी अपनी बच्ची हो, ये तो नहीं भूल सकती ना। रिजु, रिजु शेर देखेगा। ये देखो रिजु, शेर। रिजु, तुम अपनी अम्मी को कभी माफ कर सको? रियाज मसूद के नाम बुकिंग है। जी सर, आप फॉर्म भरिए सर। साइन दरवाली। जी सर। आप रियाज मसूद साहब हैं? यस। जर्नलिस्ट जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने हमें पहले खबर कर दी होती तो हम भी थोड़ी अपनी तैयारी कर लेते। इट्स ओके। आप कैसा रूम लेना पसंद करेंगे? बसंती महल में एक रूम मिले तो? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप हमारे खास मेहमान हैं। आपका लगेज? जी हाँ। एक मिनट, मतरदास साहब का सामान लेके चलो, आप मेरे साथ आइए। तो फतेहपुर तो पहली बार पधारना हुआ होगा आपका? जी। कैसा लगा? काफी शानदार जगह है। अभी तो कुछ भी नहीं है सर, आइए। थैंक यू। आइए, ये हमारे हिसाइनेस राजा विजेंद्र सिंह जी। जब ये जिंदा थे तब देखा होता सर। अब तो भारत सरकार की मेहरबानी से सारे राजा महाराजाओं ने अपने ठिकानों को होटल में बदल दिया है। वो बेचारे भी क्या करें, गरीबी में इतने बड़े हाथी को पाले भी कैसे। थैंक यू। आइए। हुकुम, ये कौन है? ये हमारे हिसाइनेस के छोटे भाई हैं, राजा उदय सिंह जी। जब ये बार में अकेले बैठे हों तो आप इनके पास जाके मत बैठ जाइएगा, वरना बाद में आप पछताएंगे। और ये हमारे हिसाइनेस के अंकल, और यहां देखिए, यहां मैं हूं हिसाइनेस के साथ। दिस इज मी व्हेन आई वाज यंग। आइए। ये लीजिए रियाज साहब, ये है आपका बसंती महल। ये देखिए, हमारे हिसाइनेस ने 1942 में जब ट्रॉफी जीती थी, स्पोर्ट्स का बहुत शौक था उन्हें। ये देखिए। आप राजा विजेंद्र सिंह को जानते थे? जानता था, अच्छी में उनका एडीसी था, उनका खास आदमी। यहां छोटी रानी की कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती। उनके बारे में आपको किसने बताया? एक टूरिस्ट गाइड कह रहा था कुछ। जी, यहाँ उनका जिक्र भी मत कीजिएगा। मामूली सी फिल्म एक्ट्रेस थी, उसके चक्कर में पड़ के हमारे हिसाइनेस पर लोग सिधार गए। माफ कीजिएगा, वो कोई शरीफ औरत नहीं थी। किसी राजघराने से नहीं थी इसलिए? गाने वाली थी सर। माँ ने वहां बंबई में किसी सेठ को फांस रखा था और बेटी ने यहाँ हमारे हिसाइनेस को फंसा लिया। उसी की वजह से राजपूत मर्यादा का मटिया मेट हो गया। वैसे ऊंचे खानदान की बात ही कुछ और होती है। क्या आप छोटी रानी के खानदान को जानते थे? जी, अच्छी तरह से जानता था। अब छोड़िए ना, इस किस्से से हमारा और आपका क्या लेना देना। लेकिन देखिए, आप अपने अखबार में उनका जिक्र भी मत कीजिएगा।
राजमाता साहिबा के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, आप उन्हें कह दीजिए मैं आ गया हूं। फील कंफर्टेबल। वहां ऊपर राजमाता का निवास ऊपर है, चलिए। Now it's tiring for me. आइए। वैसे राजमाता किसी से मिलती नहीं है, लेकिन आपको स्पेशल परमिशन दी है। दिस वे प्लीज। कुछ मिलती है, मगर इस किस्म के कपड़े पहनना क्या जरूरी है? आजकल यही फैशन होगा क्यों? आपका सफर तो ठीक था? जी ठीक था, बाय रोड दिल्ली से आया हूं, आने में काफी समय लगा। हाँ भाई, आजकल यहाँ की सड़कें खराब हो गई हैं। सड़कें क्या, सभी कुछ बिगड़ गया है। आपकी मां को गुजरे पूरे 28 साल हो गए, बहुत दिनों बाद उनकी याद आई। जी आपको लिखा था मैंने कि हाँ, कुछ पुराने एल्बम ढूंढवा के रखे हैं मैंने, इनमें हमारी और एम की बहुत सी तस्वीरें। आपको पता है हम उन्हें एम कहते थे और वो हमें मैंडी दीदी। जी जानता हूँ, आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है उनकी डायरी में। हमारे बारे में कुछ बुरा तो नहीं लिखा? जी नहीं, अगर ऐसा होता तो आपसे मिलने नहीं आता यहाँ। एक्सीडेंट के बाद पहली बार उनका नाम लिया है। आपने अम्मी को माफ नहीं किया ना? उस वक्त हमने उन्हें बहुत कोसा था, क्योंकि हमें यकीन था कि उन्होंने ही हमारा सुहाग लूटा है। उस जख्म को भरने में 25 साल लगे। यहां तो हर कोई उन्हें दोषी ठहराता है, कोई नाम तक नहीं लेना चाहता उनका। राजा विजेंद्र सिंह उनका ख्याल रखते थे ना? पागल थे उनके लिए। आपको बुरा नहीं लगा? एम ने भी हमसे यही सवाल किया था। मैंडी दीदी, अब सीरियसली नहीं खेल रही, हम थक गए, चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इतनी जल्दी हार मान गई? कम ऑन एम, हम आपके जैसा खेल कहाँ खेल सकते हैं। क्यों नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। चलिए उठाइए रैकेट, कम ऑन लेट्स प्ले, कम ऑन। हम खेल की बात नहीं कर रहे हैं। पर मैं तो खेल की ही बात कर रही हूँ। जिंदगी बैडमिंटन का खेल नहीं है। दीदी, क्या आप मुझसे जलती हैं? मैं आपकी जगह होती तो आपकी आंखें नोच लेती। नहीं, हम आपसे नहीं जलते, मगर आप जो हैं उसका हम क्या करें। मैं क्या हूं? आप एक आजाद पंछी हैं जिसे हर कोई अपने काबू में करना चाहता है, मगर आपको बांधना इतना आसान नहीं। ओह माय गॉड दीदी, आई कांट बिलीव इट, यू आर जेलस ऑफ मी। पता है मैं आपसे कितनी जलती हूँ? आप और विक्टर में एक अजीब सा अपनापन है, मैं ही अजनबी हूँ। प्रेम के दो ही रूप होते हैं, किसी को अपना कर लेना या किसी का हो जाना।
आपने उन्हें अपना बना लिया है और हम उनके हो चुके हैं। आप दोनों की उम्र में फर्क है, फिर भी हाँ हम उम्र में बड़े हैं। सारे फैसले हमारे माता पिता ने हमारे पैदा होने से पहले ही कर लिए थे। मेरी पहली शादी भी तो इसी तरह मेरे बाप ने की थी। हाँ, आपके मियाँ आपको छोड़ के चले गए, आपको बुरा नहीं लगा? शायद वो मुझे सच्चे दिल से नहीं चाहते थे, इसलिए उनके जाने का दुख भी इतना नहीं हुआ। और महाराज, वो तो आपको बहुत चाहते हैं, और आप? आपको क्या लगता है? बहुत चाहती हैं आप। प्रेम की आग दोनों तरफ लगी हो तो जलती रहती है, वरना बुझ जाती है। मैं इस आग को जिंदा रखूंगी आखिर तक। खमागणी हुकुम, आपको अंदर महल में बुलवा रहे हैं महारानी सा। गणगौर पूजा की तैयारी हो चुकी है। जाकर कहो हम आधे घंटे में आते हैं। जी, आप अपनी लाल पोशाक पहनकर हमारे साथ चलिएगा। लाल क्यों? सुहाग का रंग है, आपको अपना सुहाग प्यारा नहीं? यहाँ की प्रथा का पालन करना चाहिए था एम, क्यों बेकार नाच में शरीक हो गई, वो भी बाहर वालियों के साथ, और फिर इस तरह रूठ कर वहां से चली आई। मैं इन पाबंदियों से तंग आ चुकी हूँ, ये नहीं करना वो नहीं करना, I'm sick and tired of it all। आज से जो मेरी जी में आएगा मैं वही करूंगी। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अपनी गलती कबूल करने में क्या हर्ज है? मुझे यहाँ कैद होकर नहीं रहना। आपको ये सब बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक अधिकार का, दूसरा कर्तव्य का। एक के बिना दूसरा मुमकिन नहीं। आप कर्तव्य का पालन करती रहिए, मैं नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। क्या बात है जुबेर, तुम तैयार नहीं हो? राइडिंग नहीं चलना? बड़े खुश लग रहे, रात को अच्छी नींद आई होगी। हमें तो हमेशा अच्छी नींद आती है। मोहब्बत हमसे करते हैं और रातें वहां गुजारते हैं।
जूबी, मैंडी को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना? और क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? बिल्कुल। मैं औरों जैसे क्यों बनूं? मेरी भी कोई अपनी पहचान है। घनघोर की रस्म में मेरे साथ अछूत जैसा बर्ताव क्यों किया गया? जुबी, राजमहल की रस्मों का अपना कुछ रखरखाव होता है, हम सबको उसका पालन करना होता है। ऐसी छोटी बातें दिल पे क्यों लेते हो? ये छोटी बात नहीं है जुबी। असल में यहाँ कोई भी मुझे कबूलने को तैयार नहीं, ऊपर से ये बेहुदा रस्में। जुबी, ये रिवायतें हमारे तहजीब का हिस्सा है। जैसे उंगलियां और नाखून होते, एक भाग मर चुका होता है पर बाकी तो जिंदा है। मैंडी बहुत दुखी है, तुम्हें इनसे इस तरह से रूठ के नहीं आ जाना चाहिए था। तुम जाकर मना लो हमारे लिए, जाओगी हमारी खातिर? तुम्हारी खातिर जी चाहता है तुम्हें इस कोठी में बंद करके कभी यहां से जाने नहीं दूं। तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है? चलो, आज से इस घरौंदे के मालिक तुम। जब भी हमें अकेलेपन की जरूरत होगी तो यहां आ जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम। महाराज, कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहता हूं, मगर यहां मोहब्बतें हो रही हैं और वहां बेचारे खद्दरधारी नेतागण 2 घंटे से आपके इंतजार में धूप सेक रहे हैं। क्या गजब कर रहे हैं दादा, जरा उन्हें भी संभालिए। आपके आदरणीय माता प्रसाद जी तो आप जानते हैं कितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। अभी आते हैं। क्या जाना जरूरी है? जाकर अपने भाभी का दिल बहलाइए, शायद आपके छिछोरे जोक सुनकर उनका मूड ठीक हो जाए। छोटे रानी साहब, ये आंसू जिन्हें दिखाने थे वो जा चुके हैं, अब आप ये बंबा बंद कर सकती हैं। जरा मुस्कुराइए, सामने देवर जी खड़े हैं। से चीज प्लीज। दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस, नाउ होल्ड इट देयर। ये हुई ना बात, वर्षा छट गई और सूरज निकल आया, मगर ये गालों पे आंसुओं के निशान अच्छे नहीं लगते। इजाजत हो तो इन्हें अपने ओठों से साफ कर दें। आप पीकर आए हैं? आंखों की मधुशाला, नजरों के छलकते जाम, नशा तो आना ही है। ओह शट अप। ये कॉलर ठीक से बैठा नहीं है और काज भी टेढ़े हैं, ऐसी कारीगरी नहीं चलेगी। आप नया कपड़ा लेकर दूसरा बनवा दीजिएगा। हुकुम। चलिए मास्टर जी। ओह एम, आइए, प्लीज कम इन, बैठिए। आप सब कुछ इतनी अच्छी तरह से कैसे संभाल लेती हैं? मगर आपको तो नहीं संभाल पाई हूं ना एम। आई एम सॉरी मैंडी दीदी, उस दिन गणगौर के वक्त जो हो गया उसे भूल जाइए। इस खानदान के जो लोग हैं, समझ में ही नहीं आता उनके साथ क्या सलूक करें। किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा है? हाँ, राजा उदयचंद्र सिंह। कुछ कहा उन्होंने? कभी तो लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं और कभी शक होता है कि मामला कुछ और है। आप उन्हें गलत समझने का मौका ही ना दीजिए, वो अपने आप पीछे हट जाएंगे।
अगर विक्टर को पता चल गया तो? आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? वैसे भी दोनों भाइयों में तनाव है, अगर आप कुछ कहेंगी तो जलती पर तेल का काम करेगा। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बढ़िया उपाय होता है। आज फिर से देर कर दी आपने। क्या करूं डाले, हालात ही कुछ ऐसे हैं। पंडित नेहरू उनके लोग हमें दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब नेहरू आपके लिए हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस वक्त तो नहीं है। बेटा, अगर कोई मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? गोली से उड़ा दूंगा। अपने भाई को भी? कौन उदय? तुम इसकी बातों को सीरियसली लेती हो? वो तो ऐसे ही तुम्हारा दिल बहला रहा होगा। आजकल मुंह लटकाए जो फिरती हो तुम। अच्छा, यानी आपको भी इसका एहसास है? हम उतने अंधे हैं नहीं जुए जितना तुम हमें समझती हो। हमें मालूम है कि कई दिन से हमारे ढंग की बातचीत नहीं हो पाई ना। तो फिर आप उदय से बात करेंगे? ये तुम्हारा वहम है जुबे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने भाई को नहीं जानते। अच्छा ऐसा करते हैं, कल काम जल्दी पूरा करके सीधा यहाँ आ जाएंगे तुम्हारे पास। सचमुच? डियर डायरी, मैं इतनी खुश हूं कि जिंदगी में कभी इतना सुख नहीं मिला। इस छोटी सी शिकार कोठी में मैं विक्टर के आने का इंतजार करती हूं। कमरों में फूल सजाती हूं, अपने हाथों से खाना बनाती हूं। वो रोज दिन का खाना यहाँ खाते हैं, ठीक 1 बजे आते हैं और देर तक रुकते हैं। खमागणी, छोटे रानी सा हुकुम। खमागणी। नाइस, वेरी नाइस। लगता है महल छोड़कर आपने यहीं पे डेरा जमा लिया है। यू लाइक इट? विक्टर ने कोठी मेरे नाम कर दी है, अब ये मेरी छोटी सी जन्नत है। क्या हम गुनहगारों को ये जन्नत नसीब होगी? बिल्कुल नहीं। आप जाइए यहां से, विक्टर को अच्छा नहीं लगेगा, वो आते ही होंगे। Why don't you relax? वो अभी नहीं आने वाले, वो तो हमारे प्रिय माता प्रसाद जी से चोंच लड़ा रहे होंगे। मगर वो हमेशा 1 बजे आते हैं। नहीं आए तो क्या हुआ, हम जो है क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। ये बहुत ही बेहुदा मजाक है। मजाक कब कर रहे हैं? हमारे दिल में जो आपके लिए है जुबैदा, आप नहीं जानती। अच्छा, ये बात सुबह से कितनी लड़कियों को कह चुके हैं, माली की बीवी, साइस की बीवी, पुजारी की बीवी और अब भाई की बीवी। बात को मजाक में मत उड़ाइए, आप भी हमें चाहती हैं, हम जानते हैं। अब जाइए यहां से राजा साहब, अभी इसी वक्त। तुम समझती हो कि विक्टर तुम पे बहुत मरता है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, क्यों? तुम कुछ नहीं, उसके लिए तरकीब से हासिल की गई एक कीमती वस्तु हो, बस। मोहब्बत तो तुमसे हम करते हैं जुबैदा, जो खुशी तुम्हें उदय चंद्र सिंह दे सकता है दुनिया में कोई विक्टर नहीं दे सकता। विक्टर। विक्टर।
गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून दादा. ओ विक्टर, मुझे तो लगा था आज आप नहीं आएंगे. अरे तुम तो परेशान हो रही, हमने आने में देर क्या कर दी? तुम भी हद करती हो सभी. दादा, क्या यह सच है कि यह कोठी आपने इस औरत के नाम कर दी है? उदय सिंह, इस बदतमीजी का क्या मतलब? मीनाक्षी देवी कोई औरत नहीं, आपकी भाभी लगती हैं. हमारी भाभी तो महलों में आपका इंतजार कर रही है महाराज, और ये जायदाद हमारे पुरखों की है. इसे बिना किसी राय मशवरे आप ऐरों गैरों को दान नहीं कर सकते. उदय, ये बातें फिर कभी हो सकती हैं? मैं तो आपको सावधान करने आया हूं. शहर भर में उछाला जा रहा है कि आप अपनी माशूका के इश्क में इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि आपको और कुछ सूझता ही नहीं. अपनी चोचले बाजियों से फुर्सत नहीं है आपको, वरना आपको भी मालूम पड़ जाता कि माता प्रसाद किसान सभा के साथ गठबंधन जोड़ने में लगा हुआ है. बकवास बंद कीजिए, हम अभी अभी बात करके आ रहे हैं उनसे. अरे ये उसकी दोगली चाल है, आपको क्या मालूम है? तो आप यहां इसलिए आए थे हमें ये सब बताने के लिए? ये इसलिए नहीं आए थे. पूछिए इनसे, आपके आने से पहले क्या क्या बक रहे थे, पूछिए इनसे. हमें और कुछ नहीं सुनना. उदय सिंह, आप जाइए यहां से. जस्ट लीव. लीव. आपने इतनी देर क्यों लगा दी? हम चुनाव अभियान के जुगाड़ में लगे हुए थे. कैसे चुनाव? तुम्हारा इन सब बातों से क्या सरोकार है? तुम्हारा काम है सदा हसीन बने रहना और हमारा दिल बहलाना. इससे रोल डराया कि आपके लिए मेरी इतनी ही हैसियत है. हेलो सर. हेलो. क्या बात है, आप तो किताब पे से नजरें नहीं हटा रहे. मैंने आपको देखा नहीं, सॉरी. ये क्या, आपने तो कुछ भी खाना नहीं खाया. लगता है यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आया. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. अच्छा बताइए, राजमाता के साथ आपकी मुलाकात सफल रही? जी हाँ, काफी मटेरियल मिला उनसे. गुड. मतलब ये कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी सब मिल गई. देखिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मेरा फोटोग्राफ अखबार में जरूर छापेंगे, एंड यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस. करूंगा, लेकिन मुझे आपसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. कहिए. मर्जर के फौरन बाद जब आपकी रियासत इंडियन यूनियन में शामिल हुई, तो राजा विजेंद्र सिंह जी को कैसा लगा? मर्जर, इस मर्जर का तो आप नाम ही मत लीजिए. हमारी बर्बादी का सामान था ये मर्जर. हमारे हिज हाइनेस की गद्दी छिन गई, और उनमें और एक मामूली किसान में कोई फर्क ही नहीं रहा. हाँ, नए भारत में सामंतवाद कहां तक चलता. नए युग का चलन देखकर हमारे महाराज चुनाव लड़ने को भी तैयार हो गए, लेकिन दूसरे रजवाड़े के लोग ऐसे आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे. हमारे महाराज को यूनियन सरकार के खिलाफ साजिश में फंसाने की पूरी कोशिश की गई. सब कुछ बहुत ही तरकीब के साथ किया गया. जंगल के बीचों बीच शिकार और मुजरे का आयोजन किया गया, और उसकी आड़ में सभी राजा महाराजाओं ने मिलकर के पूरी प्लानिंग की. देखो, देखो, देख रही है सारी दुनिया, देखो सही. आपने क्या फैसला किया है विजेंद्र सिंह? क्या आप राजपूतों की मान मर्यादा बचाने में हमारी मदद करेंगे? गुस्ताखी माफ करें महाराज, मगर हमें आपसे इत्तफाक नहीं है. हम मुट्ठी भर रजवाड़े भारत सरकार का विरोध नहीं कर सकते. आप जानते हैं, जब हमने यूनियन सरकार को याद दिलाया कि सरदार पटेल ने यह वादा किया था कि यदि हम ऐसा चाहें तो हमें स्वाधीनता के अधिकार भी दिए जा सकते हैं, तब तो हमें देशद्रोही करार दिया गया.
और अब हमें गद्दी से वंचित करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। क्या हम भारत सरकार को अपने रहे सहे अधिकार भी रौंदने देंगे और अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, कायर बनकर चुप बैठे रहेंगे? नहीं, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं उसमें गद्दारी की बू है। किसके विरोध में गद्दारी? क्या अपने अपने ठिकानों पर हमारा अधिकार अवैध है? 2000 साल से हमारा वंश राजगद्दी पर विराजमान है, किस बूते पर भारत सरकार हमें देशद्रोही करार सकती है? आज हम हिंदुस्तान की सारी जंगजू जातियों को इकट्ठा करके भारत सरकार के अन्याय के खिलाफ एक भारी महाज खड़ा कर सकते हैं। महाराज, ये मंसूबा चलने वाला नहीं। क्यों नहीं? हमें बड़े बारसूख जरिए से पता चला है कि अंग्रेज हमारे महासंघ को मान्यता देने के लिए तैयार है। महाराज, हमारी रियासत की प्रजा एक और विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करने वाली। अगर इस मुल्क की भलाई चाहते हैं तुम्हारे पास एक ही उपाय है, हम अपनी अलग पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़े। क्षमा करें महाराज, मगर ये उपाय नहीं, ये तो कायरता है। आप चाहते हैं कि इलेक्शन के पचड़े में पड़कर हम दिल्ली को अपने रहे सहे हक भी छीन लेने का बहाना दे दें। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम और हमारी रियासत की प्रजा किसी भी साजिश में भाग नहीं लेगी। हमारी प्रजा दिल्ली के टोपी वालों का नहीं दादा, हमारा राज चाहती है। तो फिर चुनाव में वो जरूर हमें ही वोट देगी। और भगवान न करे अगर हार गए तो क्या होगा? क्यों व्यर्थ में जलील होना चाहते हैं? महाराज, हमें अपनी प्रजा पर पूरा विश्वास है। अगर हम एक पत्थर को भी उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दें तो हमारी प्रजा उस पत्थर को ही विजयी बनाएगी। पहले मैं हरा महाराज हा, अब मैं थारो साथी हूं। आज भी थाका दुख, थाका दर्द सारा का सारा मारा। मैं आपने बताऊं कि दिल्ली सरकार धमकी दी है कि अगर मैं थारो प्रतिनिधि बनके थारे हक के वास्ते आवाज उठाई तो वो मारा प्रेमी पर्स बंद कर देगी, मारी संपत्ति जब्त कर लेगी। मैं वाने कहीं छीन लो मेरा प्रेमी पर्स, जब्त कर लो मेरी संपत्ति। मेरी संपत्ति तो मेरी प्रजा है, उनके दिलों में मेरा प्यार है। आरो प्रेमी पर्स अपना हाथ उठाओ। महाराजा की, महाराणी साहब की, महाराजा की, महाराणी साहब की। अब रानी साहब अपनी बहना सुख दो शब्द कहेंगे। महरी बहना से महरी एक ही विनती है कि चुनाव के दिन घर में नहीं बैठना, न अपने घरवाले को बैठने देना, अपने राजा को वोट देना। अगर आप इन्हें विजय करोगे तो ये आपकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। महाराणी साहब की, महाराणी साहब की, महाराजा की, महाराजा की, महाराणी साहब की, महाराणी साहब की, महाराजा की, महाराजा की, महाराणी साहब की, महाराणी साहब की, महाराजा की, महाराजा की, महाराणी साहब की, महाराणी साहब की, महाराजा की। इस कमबख्त इलेक्शन ने सब कुछ चौपट कर दिया। मैं कितनी अकेली पड़ गई हूं। यहां अब मेरा कोई नहीं। विक्टर ने सच कहा है कि मेरा काम था बस उनका दिल बहलाना। जब किसी का सहारा चाहिए तो वो मैंडी को ही खोजते हैं, मगर मैंडी ने भी मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तो शबनम थी, हथेली पर तेरी गुम हो गई। वो सितारा थी सो तेरे पहरन पर सच गई। कैसा है? मैंने खुद बनाया है। रिजु का बर्थडे कार्ड भिजवा दिया? हाँ। काश मैं खुद जाके दे सकती, उसे मिलने को बहुत दिल चाहता है। 2 साल हो गए उसे देखे। तो चली क्यों नहीं जाती? मुझे अलग करने की तरकीबें सूझ रही है क्या? आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं? ऐसा हमने कब कहा? पर बात यह है कि हम दोनों यहां नहीं होंगे तो तुम अकेली हो जाओगी। आप दोनों मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? चुनाव के सिलसिले में हम और मैंडी महीने भर के लिए बाहर रहेंगे। ओह,
मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं भी चलूंगी। बात दरअसल यह है सुबी कि चुनाव एक लहर पर निर्भर होता है। इस वक्त लहर हमारे हक में है क्योंकि राजपूत वोट सब हमारे पास है। तुम साथ में आए तो हो सकता है कि वोट गढ़ जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ। मुझे कबूलने से शर्म आती है आपको। कहीं लोगों को ये नहीं पता चल जाए कि आपकी छोटी रानी एक मुसलमान खानदान से है। तुम्हें हो क्या गया है सुबी? इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। राजनीति में विरोधी के हाथ में अपने पत्ते नहीं देने चाहिए। तो आप एक पत्ता जो आप खेल चुके हैं इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहते हैं? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बात दरअसल ये है। समझाने से क्या होगा जब मैं असली बात नहीं जानती? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, उब चुके हो इस खिलौने से। मैं गूंगी गुड़िया हूं ना, जिसे कूड़े में फेंका जा सकते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपका दिल भर चुका है मुझसे? जुबी मेरी बात सुनो तुम। ये क्या क्या पागलपन है? इसे बातों के हमारे पास समय नहीं। छोड़ो मुझे। जुबे। जुबे। छोड़ो मुझे। जुबे। आप क्या क्या कर रहे हैं इसमें? चौंकने की क्या बात है जुबैदा, मैं ही तो हूँ। राजा साहब, किसकी इजाजत से आप अंदर आए? फौरन चले जाइए यहाँ से, वरना वरना क्या हा? वरना क्या? कब तक अपनी इच्छाओं को छुपाओगी जुबैदा? छोड़ो मुझे। कब तक? तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो जुबैदा, मैं इस बात को जानता हूँ। चले जाइए यहाँ से। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ इसका पता तुम्हें अब चलेगा। लीव मी, चले जाइए यहाँ से। जस्ट लीव मी, लीव मी राजा साहब, लीव मी, लीव मी, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, जस्ट गेट आउट। बधाई हो महाराज, बधाई हो, विजयी होने की बधाई हो दादा। खुश रहिए। प्रणाम भाभी साहब। हाँ तो कितनी सीटें जीते हैं हम? जिन 45 सीटों पर हमने उम्मीदवार खड़े किए थे उनमें से 40 सीटें हमने जीती। That's really commendable. माथा प्रसाद जी ने आखिरी समय तक लटकाए रखा, वरना सारी सीटों पर अपने लोग खड़े कर देते और सरकार हमारी होती। माता प्रसाद जी को मजबूरन हमारे साथ गठबंधन करना ही होगा। रफी साहब ने कांग्रेस हाईकमान से बात करने के लिए हमें दिल्ली बुलाया है। आपकी भाभी भी हमारे साथ दिल्ली जाएंगी। रहेंगे तुम वहां क्या करोगे? चलो बच्चों को लेकर घर जाओ। तो क्या हुआ,
मैं फिर भी आऊंगी। मैं आपके बिना नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। ज़ुबैदा, ज़ुबैदा, please behave yourself. ज़ुबैदा, इस प्लेन में सिर्फ दो जने बैठ सकते हैं। मैंडी हमारे साथ आ रही है। मैंडी दीदी, इस बार मैं जाऊंगी, आप नहीं। ज़ुबैदा, प्लीज ज़ुबैदा, ऐसा मत करो। तुम हमारी मुश्किलें क्यों बढ़ा रही हो? कुछ भी कहिए, मैं तो चलूंगी। चलिए, लेट्स गो। अरे उधम सिंह, हुकम साहब कहीं पी रहे? ओल्ड मॉन्क पी रहे हैं हुकम। ओल्ड मॉन्क जी, रम जी। आप ही कोई मर्दा का पीपण की चीज हुए। मर्दानी शराब तो विस्की है। दो ब्लैक लेबल हाजिर कर जी। लार्ज मेरे लिए, स्मॉल प्लीज। मुझे राजा उदयचंद्र सिंह कहते हैं। रियाज मसूद। थैंक यू। चीयर्स। हियर्स विशिंग यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो बताइए जनाब, आपका हमारी तरफ आना कैसे हुआ? मैं एक जर्नलिस्ट हूं, एक स्टोरी की तलाश में ही आया हूं। तब तो अच्छी अच्छी बातें लिखना आप हमारे होटल, हमारे खानदान और हमारे बारे में। जी जरूर। एक पॉइंट है जो आप क्लियर कर सकते हैं। राजा विजेंद्र सिंह और उनकी जूनियर रानी एक रहस्य में हादसे में मर गए थे, इज दैट ट्रू? कोई रहस्य नहीं था साहब। प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर हुआ और गिरकर क्रैश हो गया, और वो अकेले थे प्लेन में, उनके साथ और कोई नहीं था। उसका मतलब कि उनके साथ उनकी छोटी रानी नहीं थी जो दिल्ली जा रही थी? छोटी रानी? There was no छोटी रानी। हमारे स्वर्गवासी भाई साहब विजेंद्र सिंह जी की बस एक ही रानी है, राजमाता मंदिरा देवी। हाँ, रखेल सरी की एक दो औरतें और थीं, मगर उनके बारे में हमें कुछ याद नहीं। अच्छा, हम चलते हैं। Nice meeting you, young man. Oh, hello sir. When did you arrive? थैंक यू। 380। क्यों रिया साहब, मैंने आपसे कहा था ना, या आप राजा साहब से सावधान रहिएगा। ये लीजिए, ये राजमाता ने खास आपके लिए भिजवाया है और आपको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ जर्नी कहा है। फिर आइएगा रिया साहब, मुझे बहुत खुशी होगी। गुड बाय। थैंक यू। In loving memory of M. अपने हाथों से फिसलती हुई जन्नत, मैं ये जानती हूं कि कुछ भी सदा कायम नहीं रहता, मगर फिर भी विक्टर को कभी बदलने नहीं दूंगी। वो बदल गए तो कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी?
शायद हम सिर्फ मर के ही खुश रह सकते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जारन लड़की, नानी, मैं ये नहीं समझ पाया अम्मी आखिर चाहती क्या थी। उन्होंने प्लेन जानबूझ के तो नहीं ना गिरा दिया? अल्लाह ना करे रिजू, मेरी जुबैदा ऐसी नहीं थी कि अपनी जान ले ले। उसे पता था कि ये गुनाह है। ये तो राजा के दुश्मनों की साजिश थी बेटा, अखबारों में भी यही छपा था। मैं तो उन्हें हमेशा ऐसे याद रखूंगा जैसे वो एक परियों की शहजादी थी, बस। हाँ, वो परियों की शहजादी ही थी। रील शुरू करवाऊं? हाँ, स्टार्ट करो। ¶¶